वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आज है परी का बर्थडे, तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। नवरात्रि भी चल रहे हैं तो हम लोग नैना देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। और परी ने और गौरव ने लिए हैं पूरे 9 नवरात्रियाँ। तो यहाँ पर हमारी यानू को देखो, यानू को गाड़ी में बड़ा ही मजा आता है। यानू तो देखो खेलती रहती है, खड़ी होके बाहर लोगों को देखती है यानू। तो जस्ट अभी हम लोग निकले हैं और मौसम भी आज अच्छा हो रहा है, अभी तो फिलहाल उतनी धूप नहीं है। सबसे पहले हमें अभी पेट्रोल भराना है, देन उसके बाद हम नैनीताल के लिए। हाँ बस, और वैसे भी ना नैनीताल में मार्केट थोड़ा लेट ही खुलती है। बेसिकली हमको जाना है नैना देवी मंदिर और फिर हम बोटिया मार्केट थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद मॉल रोड, फिर हम वापस आ जाएंगे। और यानू को देखो, यानू मौसी के साथ खेल रही है, मौसी के बाल खींचती रहती है ये, इसको किस सारी चीजों को छेड़ रही है। कैसे बैठी है मटकुसा? यानू मौसी के बाल खींचेगी फिर बाहर देखेगी शीशे से, लोगों को आवाज लगाती है, बहुत ही शैतान बच्ची है। तो अभी हम पहुंच गए हैं दो गांव में और गौरव और परी का है आज व्रत। और तो मैं नाश्ता करके नहीं आई थी, तो मैं अब यहाँ पर खा रही हूँ रायता और पकौड़े। और हल्द्वानी से रानीखेत या नैनीताल को ज़्यादा टाइम जितने भी रास्ते में शॉप्स होती हैं ज़्यादातर यही फेमस है और काफ़ी अच्छे ही बनाते हैं, आप देख सकते हैं। करारे से पकौड़े और रायता। नैनीताल जस्ट अभी पहुंचे ही, ये है यहाँ की मॉल रोड। अब हमने गाड़ी लगा ली है पार्किंग में और अब हम आ गए हैं भोटिया मार्केट। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पर नैना देवी मंदिर भी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मार्केट में। पहले हम जाएंगे नंदा देवी मंदिर और उसके बाद हम थोड़ा घूमेंगे। पहले मंदिर चलेंगे ना, ये गौरव अच्छी जैकेट ले सकता है। ये यानू ये हम आ गए नैना देवी मंदिर। अंदर नहीं कर रहा, मौसम ऐसा है यहाँ पे, अभी धूप थी तो थोड़ी देर में बादल बनते और कभी भी यहाँ पे बारिश हो जाती है, बहुत ठंडा मौसम है। ठंडा कितना होएगा? हाँ वो आई एम नॉट अ ब्लॉगर। ऐसे देख, वो दो पहाड़ आने चाहिए तो उसके बीच में हम आने चाहिए। याना इधर देखो, याना याना नीचे को मत लटकना। सो
फ्रेंड्स फाइनली अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी को, क्योंकि नैनीताल में बारिश हो गई तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए। काफ़ी टाइम बाद आज मैं नैनीताल आई, तो मैंने अपनी कॉलेज की सारी पढ़ाई नैनीताल से ही की है, तो नैनीताल से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो 6-7 साल मैंने ऑलमोस्ट नैनीताल में गुजारे हैं। तो शादी के बाद मैं सेकेंड टाइम आज यहाँ आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम लोग नैनीताल से आ गए थे 7 बजे, हम यहाँ पे पहुँच गए थे। और उसके बाद हमने बनाया लंच, क्योंकि गौरव और परी का आज व्रत था, नवरात्रे थे। तो अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ, आज परी का बर्थडे भी है तो हमने क्या बनाया है। तो मैं आपको ले जा रही हूँ किचन में। मीठे में हमने बनाई है खीर, तो ये खीर मैंने बनाई है। और ये जब हम नैनीताल से आ रहे थे तो रास्ते में हमको हरी सब्जी की एक वो स्टॉल टाइप का मिला था, तो हमने हरी सब्जी खरीदी, हरी सब्जी बनाई है। और आज हमने रोटी नहीं बनाई, आज हमने बनाया मटर पुलाव और पनीर, मटर पनीर। और परी यहाँ पर काट रही है सैलेड, और गौरव का चल रहा है आज काम। वैसे तो यूजुअली सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बट काम थोड़ा ज़्यादा था तो आज करना पड़ रहा है। और यानू को मैंने सुला दिया है, अभी यानू ने सैलेड खाई, थोड़ी सी खीर खाई है, फिर अभी सो गई है, क्योंकि बच्चे कहीं बाहर जाते तो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद मच जाती है, तो सो गई है। और नैनीताल से मैं लेके आई हूँ परी के लिए, परी के लिए नहीं यानू के लिए, ये शूज। जैसे हम नैनीताल पहुँचे, तो जैसे हम नैनीताल पहुँचे उसके 1-2 घंटे बाद बारिश हो गई थी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो फिर यानू के लिए मैंने सॉक्स लिए, और बाकी तो हमने वहाँ पर कुछ भी शॉपिंग वगैरह नहीं की है। तो नैनीताल में काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी तो मॉलर वगैरह हम नहीं घूम पाए, और ठंडा भी काफ़ी हो गया था। तो भोटिया मार्केट हमने घूमा वहाँ पर, और नैना देवी मंदिर में हम लोग गए दर्शन के लिए। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। तो बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।